हाय गाइस, आज हम लेकर आए हैं एजिलिटी वर्कआउट। ये सभी क्रिकेटर्स के लिए है। इसको फास्ट बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, सब कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपकी बॉडी में क्विकनेस ही लाएगा, क्योंकि एजिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे फील्डिंग में काम आती है, जब रन लेते हैं तब भी काम आता है, शटल रन कर जाता है वो उसमें भी काम आता है, ठीक है। बॉलर्स के लिए भी काम आता है, क्योंकि बॉलर को भी फील्डिंग तो करना ही है, ठीक है। तो आज हम एजिलिटी वर्कआउट लाए हैं। ये आपको आपकी फिटनेस में बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, ठीक है। आपकी फिटनेस को इंक्रीज करेगा, जो आपको चाहिए। आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में T20 में बहुत ज़रूरी होती है एजिलिटी की, तो कुछ ये उसी की मैं ड्रिल्स बताऊंगा एजिलिटी की, कुछ फिटनेस के लिए आपको, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एजिलिटी वर्कआउट किस तरह से करना है और आप अपने फिटनेस को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। सेंटर का कौन है हमारा, ठीक है। अब हमको जाना है 5 स्टेप्स आगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 इधर जाना है, 1 2 3 4 5 लगाइए। एक कौन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वो सेंटर वाला कौन है हमारा, ठीक है। अब एक कौन इधर, 1 2 3 4 5, ठीक है, लगाइए यहाँ पर। एक कौन ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेंटर वाले कौन से फिर मेज़र करना है, 5 स्टेप पीछे जाना है हमारे को, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया। अब इधर जाना है, 1 2 3 4 5, अब इधर आ जाना हमारे को, ठीक है। अब फिर सेंटर वाले कौन से, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सेटअप हो गया, ये है सेंटर वाला कौन, ठीक है। अब इस पर करना क्या, आप वो देख लीजिए। 30 सेकेंड चलेगी जो पूरा एजिलिटी जो वर्कआउट है, 30 सेकेंड का है सिर्फ, ठीक है। एक बार में 30 सेकेंड ही करना है हमारे को क्लॉक लगा के। इसमें करना क्या अपन को, अब ये मेरा राइट हो गया कौन, ये मेरा लेफ्ट कौन हो गया, फॉरवर्ड ये कौन हो गए, बैकवर्ड ये वाले कौन हो गए मेरे, ठीक है। तो मेरा पार्टनर मेरे को कमांड करेगा क्लॉक लगा के, जब ऐसे वो स्टार्ट बोलेगा तो बोलेगा फॉरवर्ड राइट, तो फॉरवर्ड राइट का मतलब मेरे को इधर जाना है, ठीक है। फिर मेरे को जब जैसे मैं पीछे आ रहा हूँ इतने में वो दूसरा कमांड कर देगा कि बोलेगा बैकवर्ड राइट, तो बैकवर्ड मेरा ये हुआ पीछे वाले कौन, और बैकवर्ड राइट, अच्छा राइट वाला हैंड ये है तो उधर जाना है उस वाले कौन पर मेरे को ये, ठीक है। फिर मैं उस पर जाऊँगा, फिर लौट के आऊँगा, इतने में वो मेरे को बोलेगा फॉरवर्ड लेफ्ट, तो फॉरवर्ड ये हो गया, लेफ्ट क्या ये, अच्छा लेफ्ट तो इधर जाना है मेरे को, ठीक है। फिर पीछे जाऊँगा मैं, इतने में फिर मेरे को कमांड करेगा और बैकवर्ड राइट, बैकवर्ड लेफ्ट, तो उसी हिसाब से मेरे को जाना राइट ये लेफ्ट ये, ठीक है। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड लेफ्ट, बैकवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, बैकवर्ड लेफ्ट, थैंक यू। देखा आपने जो हमने ड्रिल करी एजिलिटी वाली, अब जो नेक्स्ट ड्रिल है वो भी सेम सेटअप हमारा यही है, बट अब हम इसमें कैड करने जा रहे हैं। हम इन सारे जो स्टम्प्स हैं और जो कोन्स हैं इनके सामने हम एक एक साइड में कोन रखने जा रहे हैं, फिर उसके बाद करना क्या मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले हम कोन्स को रखते हैं, पहले आइए सबसे पहले नंबर 1 कोन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट हमको यहाँ से करना है इस वाले स्टम्प से, तो हमारा नंबर 1 कोन वो वाला हुआ, ठीक है।
तो कून नंबर वन केड़ी यहाँ पे रखिए, कून नंबर वन आइए, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, नंबर एट, नंबर नाइन और नंबर टेन रखिए गेड़ी जल्दी, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया हमारे सब, हमने सब पे सेटअप कर दिया है पूरा। अब जो मेरा सबसे पहला स्टंप है वहाँ से कमांड करूँगा पार्टनर को कि नंबर वन, तो वो वन वाला कौन उठाएगा। अगर फिर वहाँ से मैंने बोल दिया उसे कि नंबर टेन, तो सीधे वो वन से फिर सीधे टेन पे भागेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो हमने पहला जैसे ड्रिल एजिलिटी करी थी ना कि उसमें हम सीरीज वाइज आ रहे थे, सीरियल वाइज वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है अपन को, अगर वन बोला तो इस पे आएगा, थ्री बोला तो इस पे आएगा, ठीक है, और अगर फाइव बोला तो उस पे जाएगा, अगर टू बोला तो उस पे आएगा, टेन बोला तो उधर जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट है इसमें कुछ भी, इसमें क्या है माइंड बॉडी कनेक्ट रहनी बहुत ज़रूरी है, एजिलिटी के साथ साथ इसमें आपकी रिएक्शन टाइम भी जज हो जाएगा कि कितना आप रिएक्शन टाइम, जैसे फील्डिंग में होता है ना उसी के लिए, मान लीजिए कि आप फील्डिंग ही कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत इंप्रूव करेगी आपको ये। चलिए फिर शुरू करते हैं इस ड्रिल को, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, देखिए इस ड्रिल को आप एजिलिटी को। चलिए चलिए फिर हम शुरू करते हैं, चलिए करिए स्टार्ट है, ठीक है। नंबर वन, थ्री, फाइव, टू, टू, टेन, सिक्स, फाइव, एट, नाइन, सेवन, ठीक है। और जो खत्म करना है वो हमको एंड में ही करना है, ठीक है, खत्म एंड में ही करना है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एजिलिटी ड्रिल है, ठीक है, आप करिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं भी इसको एक बार करके दिखा दूँ आपको, देखिए ड्रिल कितना अच्छा करा इन्होंने, मैं भी आपको एक करके दिखा दूँ, ठीक है। एक बार और देखिएगा आप किस तरह से करना है, एक, चार, छ, पाँच, तीन, दो, सात, दस, आठ, नौ, थैंक यू, लास्ट किया, कम ऑन, बोले ना जी। तो आपने देखा ये सारी जो एजिलिटी की मैंने बताई थी आपको, जिस ड्रिल्स हैं जितनी भी मैंने आपको ये बताई हैं या करनी है आपको, और ये आपको करनी है सिर्फ वीक में टू टाइम्स ही करनी है, ठीक है, उससे ज्यादा ना करें। जैसे कि आपने मंडे को करा है तो ये आप वेडनेसडे को कर सकते हैं, बट ट्यूजडे को ना करें, या फिर आपने ट्यूजडे को करा है तो इसको फ्राइडे को करें, कम से कम टू डेज का इसमें रेस्ट प्रॉपर दें, क्योंकि इसमें आपको रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वर्कआउट है बहुत इंटेंस होता है, इसमें आपको फुल पावर के साथ करना होता है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें आप बहुत ज़्यादा। आई होप आपको हमारी वीडियो का पसंद आई होगी, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम लाते रहेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।